अपना आज का था कि यदि इसमें कहीं पे लाइन आ गई, कहीं पे डॉट आ गया, तो वो क्या सही हो पाता है? तो हाँ जी, वो सही हो जाता है जब टीवी रिपेयर के। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपको उस मैटर के ऊपर बात करना चाहता हूँ और उस मैटर के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में थॉट्स होते हैं कि सर हमने LED टीवी खरीद ली, असेंबल इंपोर्ट वाली, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर बाद में, दो साल बाद में उनमें यदि इश्यू आता है पैनल का, तो वो कैसे ठीक हो पाएगा? तो आपको मैं आज उस मैटर में आपको बताने वाला हूँ कि यदि वो इश्यू आता है, आ जाए, तो इनकी कॉस्टिंग कितनी होती है और क्या क्या रेंज के अंदर ये सही हो जाएंगे वापस। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आप जैसे चाहे कोई भी टीवी मान लो, साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 32 इंच का टीवी है ये, इसका पैनल ख़राब हो गया, तो ये कितने रुपए में सही हो जाएगा और कितने रुपए में ये आपको वापस चल जाएगा, वापस टीवी आपका? यदि फूट गया, टूट गया, लिक्विड डैमेज आ गया आपको, तो इसके अंदर आपको अराउंड 24 इंच के टीवी के अंदर तो 4,200-4,300 रुपये का खर्चा आता है। 24 इंच का टीवी यदि फूट गया तो उसका पैनल नया डलवाते हो आप, और 32 इंच का टीवी का यदि पैनल आपने फोड़ दिया, भूल से यदि बच्चे ने फोड़ दिया, यदि वो टूट गया, तो उसकी अप्रोक्स कॉस्ट आती है 6,500 रुपये उसकी कॉस्टिंग आती है। तो इस हिसाब से आप ये मान लो कि पूरा जो खेल होता है वो एक LED टीवी में पैनल का ही होता है इनमें, और अप्रोक्स आप जो ब्रांडेड टीवी लेते हो उनके अंदर जो पैनल की कॉस्टिंग आती है उनमें 50% आती है उनकी। 50% मतलब आप जैसे मान लो कि आपने सैमसंग का टीवी लिया, 18,000 रुपये में आपने उसका टीवी लिया, तो अराउंड उसका 12,000-11,000 रुपये का उसका पैनल आएगा, तो उसकी कॉस्टिंग 12,000 रुपये आएगी पैनल की। तो वही बात हो गई, 2,000-3,000 रुपये और मिला के आप यदि वो टीवी ले लो। तो इनमें वीक पॉइंट होता क्या है कि यदि लिक्विड चला गया इसमें, यदि पैनल में पानी चला गया, पैनल फूट गया, पैनल पे लाइन आ गई, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो कितने में ठीक हो जाती है? माइनर डॉट आ जाए, लाइन आ जाए, उसका तो इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हो जाता है उसका। मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्यूशन ये हो जाता है कि आप रिपेयर करवाते हो, यदि पैनल को रिपेयर कराते हो तो अप्रोक्स 1 इंच का 200 रुपये लगता है। स्क्वायर फिट के ऊपर उनकी कॉस्टिंग निकलती है, 200 रुपये इंच के ऊपर आपको पैनल सही हो जाता है। जैसे लाइन आपकी आई है तो 32 इंची का टीवी है तो अप्रोक्स आपको 200 × 32 इंची कर लो, तो उस रेंज के अंदर आपको कॉस्टिंग सही हो जाता है। जैसे कितने साइज के अंदर है आपका, यदि वो 4 इंची के अंदर, 5 इंची के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पैनल सही हो जाता है। वो रही बात अब आपको कार्ड की दिक्कत में, यदि आपका LED टीवी का कार्ड ख़राब हो गया तो कार्ड का कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि USB काम करना बंद कर दे, ऑडियो वीडियो काम करना बंद कर दे, आपका MicroSD कार्ड स्लॉट काम करना बंद कर दे, तो उसका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड यदि आप कोई सी भी टीवी, यदि कोई सी टीवी का कार्ड यदि लेते हो, तो वो डिपेंड करता है कि उस टीवी का साइज़ क्या है और उस टीवी के साइज़ का कार्ड कितने में सही हो जाता है। ज़्यादातर जो सारी साइज चलती रहती है, रेगुलर जो साइज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 32 इंची और 40 इंची होती है। उसके कार्ड आपको अप्रोक्स 32 इंची का कार्ड आपको 2200 से 2300 रुपये का मिल जाता है। यदि नया कार्ड आप डलवाना चाहते हो, यदि आप फुल HD को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हो, तो अराउंड उसका 2700-2800 रुपये का खर्चा आता है। आप फुल HD टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हो, Amazon का फायर स्टिक आता है, उसे आप लगा के 1800-2000 रुपये का आता है कार्ड, तो फायर स्टिक लगा के आप उसको स्मार्ट टीवी बना सकते हो, और फुल HD को आप स्मार्ट बना सकते हो, बट स्मार्ट टीवी को आप फुल HD नहीं बना सकते। उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, जो पीछे का कार्ड होता है उसको आपको चेंज कराना पड़ता है, तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाता है। इससे अच्छा आप 2000-4000-5000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप स्मार्ट टीवी नया खरीद सकते हो। जो मेन टॉपिक जाती है, फैक्ट्री जाती है, सर्विस सेंटर जाती है, तो वो सही हो जाता है, तो उसका अप्रोक्सीमेट खर्चा 200 रुपये पर इंच के ऊपर खर्चा आता है, तो उससे आपको सही हो जाते हैं। और यदि मैं बात करूँ इन टीवी के अंदर कि और किस चीज़ में दिक्कत आती है, और माइनर इसमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, काफ़ी हेवी और काफ़ी अच्छे रिलैक्सेबल होते हैं,
पन्नियाँ वन्नी हटाने की इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे चुका हूँ पहले भी, इनमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है किस चीज़। तो आई होप कि आप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके कि यदि एलईडी टीवी का पैनल चला जाए कभी, इनकेस आपकी एलईडी टीवी फूट गई, बच्चे ने फोड़ दी, आप लगी लगाई है, टंगी भी है, उस पर पत्थर दे के मार दिया, फ़ोन दे के मार दिया, गुस्से में थे, यदि आपने कुछ किया, फूट गई, नो प्रॉब्लम। उसका आपको ये तो पता लगना चाहिए कि यदि आपका एलईडी टीवी का पैनल चला गया तो उस कौन सी कॉस्टिंग में कौन सी रेट के अंदर वो सही हो जाएगी। तो 32 इंची 24 इंची का आपको बता दिया, 40 इंची का वही 12,500 13,500 पैनल की कॉस्टिंग आती है, यदि नया पैनल डलवाते हो आप उसको रिपेयर नहीं करवाते हो। 50 इंची का यदि आप पैनल डलवाते हो तो अप्रोक्स 17,000 18,000 रुपये तक का पैनल की कॉस्टिंग आती है। तो अराउंड आप मान के चलो जो भी इन टीवीओं में होते हैं, जो ओरिजिनल पैनल होते हैं इनके, तो वो कॉस्टिंग सिर्फ पैनल की होती है। आपको जो क्वालिटी दिख रही है, पिक्चर क्वालिटी दिख रही है, और जो चीज़ आप स्पेंड कर रहे हो, जो रेट आप स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ आप उस पैनल की ही रुपये दे रहे हो, और आपको एलईडी टीवी का जो भी पीछे पार्ट्स होते हैं उनका कुछ भी स्पेंड नहीं होता, सिर्फ ये कॉस्टिंग होती है। पैनल का ही कमाल होता है, पैनल का ही खेल होता है पूरा इन टीवीओं के अंदर, और जो भी चीज़ होती है यही है। और बाकी डॉट वगैरह आ जाए, लाइन वगैरह आ जाए, उसका सॉल्यूशन है, फुल्ली सपोर्ट रहता है, फुल्ली फैक्ट्री में जाके अराउंड 7 से 5 दिन से 6 दिन लगते हैं, रिपेयर हो जाती है, वहाँ पे पैनल रिपेयर होता है, 200 रुपये पर इंच के स्क्वायर फीट के ऊपर आपको खर्चा लगता है उसका, तो सारे पैनल सही हो जाते हैं। तो ये मन से आप डाउट निकाल दो कि इतना ज़्यादा यदि खर्चा लग जाए, इतना यदि लग जाए, हम इस कॉस्टिंग में ये एलईडी टीवी लें तो आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी, कि हमें 1 साल की वारंटी मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस आपको मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, 2 साल बाद में 3 साल बाद में भी यदि इनके पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। तो आई होप आपके इस वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट्स थे, जो पैनल का और जो भी डाउट थे, तो वो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग एलईडी टीवी के बारे में जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।